देखिए, प्रैक्टिकल फाइल केवल लिखने का नंबर मिलता है एग्ज़ाम में, और सवाल उठता है कि अभी आप तक आपने एक भी प्रैक्टिकल लिखा ही नहीं। तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है। आपको करना क्या है, यूट्यूब पर CUDP लर्निंग चैनल सब्सक्राइब करके उसके प्लेलिस्ट में जाइए और फिजिक्स की सारी प्रैक्टिकल फाइल वहाँ पर जो है, सारे एक्सपेरिमेंट का जो है प्रयोग जो है वो आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रयोग संख्या 3 बताने जा रहे हैं। तो प्रयोग संख्या 3 देखिए, आपको लिखना ही लिखना है, बस जब फाइल बनाइए तो हेडिंग जो है काली पेन से अच्छे से एकदम सजा कर लिखिए। यहाँ प्रयोग अर्थात एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिखिए, और किसी भी प्रयोग में जो शुरुआती चीज़ होती है पहले उसका उद्देश्य लिखना होता है, आवश्यक उपकरण लिखना होता है, सिद्धांत लिखना होता है, परीक्षण लिखना होता है, फिर गणना लिखना होता है, फिर रिजल्ट लिखना होता है, और लास्ट में संभावित त्रुटियाँ और सावधानियाँ, यही हर एक प्रैक्टिकल में आपको लिखना होता है। तो इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या है, अवतल दर्पण के लिए यू के विभिन्न मानों के लिए, अवतल दर्पण के लिए यू के विभिन्न मानों के लिए वी के मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात करना हमारा उद्देश्य है। क्या आवश्यक उपकरण होगा, अगर अवतल दर्पण की बात कहा है तो अवतल दर्पण होंगे, 2 पिन होंगे और एक प्रकाशिक बेंच होगा, इसमें बस यही उपकरण होंगे। सिद्धांत की अगर हम यहाँ पर बात करें, सिद्धांत की, तो इतना सिद्धांत आप लिख दीजिए, आपको याद वार नहीं करना है, केवल आप सिद्धांत लिख दीजिए। आपका फाइल देखता है उसमें वो आपसे पूरा वो प्रैक्टिकल पूछेगा नहीं, केवल फाइल आपकी तैयार रहनी चाहिए जिसका डर आपको सता रहा है, ठीक। तो सिद्धांत में इतना आप लिख दीजिएगा, और उसके बाद इस पेज में आप जो ये बगल सादा वाला पेज यहाँ पर दिख रहा है इस पेज में, तो आप ये वाला चित्र ज़रूर बनाइएगा, ठीक। ये वाला चित्र, ये पूरा चित्र बगल आप बना दीजिए, थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ठीक, ये चित्र आप बनाइएगा। उसके बाद ये परीक्षण के लिए ये सारणी आपको लिखना है, जो ऑब्जर्वेशन जो आपने प्रयोग किया है, जो जो डाटा मिला है वो परीक्षण में लिखा जाता है। फिर उसके बाद ये गणना करना, गणना का जो पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर दिया गया है ये आप यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक, ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा ये गणना यहाँ पर नोट कर दीजिएगा। फिर इस प्रयोग का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर है, आप इस प्रयोग का रिजल्ट भी लिख दीजिएगा। अच्छा, इतना करने के बाद लास्ट मैंने बोला था सावधानियाँ आपको लिखना होगा, सावधानियां लिख दीजिएगा, और उसके बाद संभावित त्रुटि आपको लिखना होगा, संभावित त्रुटि लिख दीजिएगा, आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।